हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते नमस्कार। लोग कैसे हैं? आशा करते बहुत ही मस्त और स्वस्थ होगा। सिमरसिंह टेंशन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग बने रहिए हमारे न्यू ब्लॉग फर्स्ट ब्लॉग में। फ्रेंड इतने भूले दिख रहे हैं, यहाँ पे घाव हो गया है, जरफा दिया है, क्योंकि कंटिन्यूटी एक महीना का सोनपुर मेला जो हम लोग को लगता है एशिया का सबसे बड़ा मेला है, तो वो मेला में हम लोग के कार्यक्रम चलता है, डांस कार्यक्रम, जो एशिया का सबसे बड़ा मंच है, तो सुरभि कला मंच, तो वो मंच से हम लोग का कार्यक्रम चलता है। तो बड्डे 20 दिन से हम लोग थकावट हो गया हम लोग का शरीर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि 20 दिन से कंटिन्यूटी हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, और इसलिए पता नहीं चला मुझे कि हमें फीवर है कि क्या है, कुछ भी नहीं पता चला। और देख लीजिए साइड में यहाँ पे घाव हो गया, क्या बोलता है, जर पा दिया, बहुत दर्द कर रहे हैं, खाए नहीं जा रहे थे। देख रहे हम ब्रेड खा रहे हैं चाय के साथ, ब्रेड खा रहे हैं बैठ कर, और रूम में कोई नहीं है, बट हम अकेले हैं, चाय बनाए हैं अभी और खा रहे हैं। आप लोग भी खाना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग भी मिल सकता है, खा सकते हैं। था फ्रेंड मतलब पूरे दिन डांस, सुबह में 10 बजे हम लोग जाते हैं मंच पे, और 1 बजे हम लोग मंच, 1-1.5 बजे मंच को छोड़ते हैं, क्योंकि इतना मज़ा आता है ना मंच पे डांस करने में। और ये नहीं कि अश्लील गाना ये सब चलता है, वो पे अश्लील गाना नहीं चलता है, क्योंकि उस पर मतलब छोटा मोटा वो जो क्या होता है, टिकवा जब जब मंगलियो रे जटवा, टिकवा कहे न लई ले रे, पत्नी बोलती है अपनी पति से और झगड़ा करती है। और ये एक गाना ये है, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घरवा। और एक गाना है और एक गाना है देवरू कला नबिया, मतलब जैसे भाभी बोल रही देवर को कि शादी कर लो, देवरानी आएगी तो हमें बहुत फायदा है, पैर दबाएंगे, खाना खाएंगे अच्छा अच्छा तो देवर बोलता है नहीं भाभी हमको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको परेशानी नहीं उठाना है। मतलब ये बोल है आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि गाना सुना नहीं सकते हैं ना अभी इसलिए। और ऐसा गाना है ये चंदन निकले हैं पहली बार घर से, ये और एक पूर्वा वेरिया गाना है, गाना का क्या बोल है, पूर्वा वेरिया नैहरे रहत रही एसी में, और बहुत सारा गाने भूल जाते हैं क्योंकि याद नहीं रहता। हम गाना गाते नहीं हैं, हम सिर्फ डांस करते हैं, वहाँ पे लिपसिंग चलाते हैं, क्योंकि गाना के हिसाब से लिपसिंग तो चलाना पड़ता है, नहीं चलाएंगे तो फिर काम नहीं चलने वाला है, इसलिए भूल जाते हैं घर पे आने का। पता है हम डांस करते हैं ना, और उसके बाद अगर 1-2 गाना पे डांस होता है तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो मंच पे काम करने के लिए लोग बहुत बड़ा बड़ा पैर भी लगाता है, तब वो मंच मिलता है, और जो नसीब वाला है उसी को 1 महीना मंच मिलता है। वो तो भगवान ने हम लोग का वो नसीब हम लोग के दिया है, जो हम लोग 1 महीने के लिए कंटिन्यूटी उस पर काम करते हैं, बहुत मज़ा आता है, फुल्ली मज़ा लेते हैं हम लोग, घूमते हैं फिरते हैं, डांस करते हैं हम। आप लोग भी आइएगा, आप लोग भी देखिएगा कि सोनपुर मेला, यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु पक्षी मेला कहा जाता है, मतलब गाय भैंसी कुत्ता बकरी चीड़ चिरमुन्नी, मतलब यहाँ पे सब कुछ मिलता है, इसमें सब कुछ बिकाता है, इसलिए पशु पक्षी मेला कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा नामी मेला है। हम लोग नसीब वाले हैं जो 1 महीना कंटिन्यूटी मेला घूमते हैं, नहीं तो लोग देश विदेश से आता है ये मेला घूमने के लिए।
घाव में छाला गया, दर्द करने लगा जला से। और मेरे चाय पी रहे हैं चलिए गाइस, ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। और मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो जो आदमी नहीं आए हैं सोनपुर मेला घूमने, आप लोग आके घूमिए, बहुत मज़ा आएगा घूमने में। और एक दिन में मेला आप लोग नहीं घूम पाइएगा, 10 दिन तक महीना दिन घूमिएगा फिर भी मेला नहीं घूम पाइएगा, इतना बड़ा मेला है क्योंकि हम लोग डेली जाते फिर भी नहीं घूम पाते हैं, पैर दर्द करने लगता है, नहीं घूम पाते हैं इसीलिए। चलिए गाइस, मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि गरीब बहन है, आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आगे कैसे बनेंगे, क्योंकि बहुत तकलीफ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन लोगों की कहना होता है ना कि बाप माय मारता है, पीटता है, गाली देता है, तो नहीं भाई, बाप माय आप लोग के मारता है और पीटता है तो इससे क्या होगा, नज़रिया खुलेगा आपका और आगे की रास्ता दिखाई देगा कि आप कैसे कमा के 2 रोटी खा सकते हैं। आज वही चीज़ का हमारे मम्मी पापा हमको मारा पीटा, बहुत ऐसा बात हुआ, घर से लड़ाई झगड़ा बहुत तरह का हुआ, तो आज माता रानी की कृपा है, ऊपर वाला के दुआ है जो आज इतने बड़े मंच पे ये कार्यक्रम करते हैं और बहुत अच्छा लगता है और YouTube पे भी लाइव दिखाता है लोग तो इसलिए माँ बाप मारे तो उस बात का बुरा मत मानना भाई, उसे आशीर्वाद समझ के रख लेना, माँ बाप के 2 चप्पल आशीर्वाद होता है। हमें तो माँ बाप मारा था, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ थोड़ा देर के लिए अखर जाता है कि मम्मी पापा हमको मारे हैं ये वो, बट मैंने तो सब कुछ भूल गया, मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कौन सा कैसे क्या हुआ वो सब भूल गए, बस इतना ही सोचते हैं कि हमारी मम्मी या हमारे पापा जितने हमको डांटे दुत्कारे तो इसलिए आज हम इतना आगे आ गए। और आप लोग का भी आशीर्वाद होगा, मेरे YouTube फैमिली जितने भी हमारे माता पिता भाई बहन छोट बड़ सभी को पैर छू के प्रणाम है। मेरा सीमा सिंह डांसर ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग फ्रेंड आप लोग आशीर्वाद दीजिए जो हम आगे जाए, और ऐसे ही आप लोग के बीच छोटा छोटा ब्लॉग लेके आते रहे हमेशा। बाय, जय हिंद, जय भारत।